क्या आप इस सुनहरे ड्रिंक को पीना चाहते हैं? नहीं, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। आर्टबेक का वीडियो निकाला तो लोगों ने कहा कि एक और स्मोकी विस्की दिखाइए, और इसलिए हम आज लाए हैं वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड साउथ ऑफ आयला से लेफ्रॉय डिस्टिलरी की लेफ्रॉय 10। ये जो विस्की है, इनका एक्सप्रेशन इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग एक्सप्रेशन इन देयर एंटायर स्टेबल। आज हम तीन महत्वपूर्ण बातों पर बात करेंगे। पहला कि प्रिंस चार्ल्स और इस विस्की का क्या कनेक्शन है, दूसरा कि किस प्रकार आप पा सकते हैं जमीन स्कॉटलैंड में, और तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण बात कि इसका संबंध क्या होना चाहिए आपके साथ, क्या आपकी पीनी चाहिए या आपको रखनी चाहिए, देखेंगे इस वीडियो में। बिना किसी विलंब के जाते हैं केस पे और देखते हैं कि लेफ्रॉय 10 क्या बताता है अपने बारे में। पहली बात तो सबसे ऊपर वाली, 200 साल से ये है। 1815 में दो भाई डोनाल्ड और अलेक्सेंडर जॉनस्टन ने शुरू किए थे। ये दोनों भाई चरवाहा थे जो मवेशियों को पाला करते थे, खिलाया करते थे, और जब उनकी एक्स्ट्रा बार्ली बच जाती थी तो ये बनाते थे उससे विस्की। अगर इंग्लैंड में अनाज बचता है तो लोग बनाते हैं बियर, स्कॉटलैंड में अनाज बचता है तो लोग बनाते हैं विस्की। भारत सरकार से भी अनुरोध है कुछ ऐसी स्कीम यहाँ पर भी निकालिए, थोड़ी विस्की थोड़ी बियर हम भी पिए। फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंस चार्ल्स का कनेक्शन। बताते हैं कि बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ हिज रॉयल हाइनेस द प्रिंस ऑफ वेल्स, ये बनी थी डिस्टलर एंड सप्लायर पूरे रॉयल्टी के लिए। कहानी कुछ ऐसी है कि 1994 में प्रिंस चार्ल्स गए थे इनकी डिस्टिलरी में अपने प्लेन से, और उन्होंने थोड़ी सी की थी क्रैश लैंडिंग। अब भी पीने गए थे या पी के गए थे पता नहीं, बट इस वजह से उनका प्लेन ख़राब हो गया था और उनको रुकना पड़ गया था वहाँ पर 2.5 घंटा। और 2.5 घंटा रुकने के बाद उन्होंने पूरी उनकी डिस्टिलरी देखी और काफ़ी विस्की पी होगी, थोड़ा तो नशा हो ही गया होगा और बना दिया होगा इनको अपना सप्लायर। चलिए आगे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है आयला सिंगल मॉल्ट, जो आप अच्छे से जानते हैं कि स्कॉटलैंड का वो रीजन जहाँ से बहुत स्मोकी विस्की आती है। 10 ईयर्स एज्ड है ये, और बताते हैं यहाँ पर द मोस्ट रिचली फ्लेवर्ड ऑफ ऑल स्कॉच विस्कीज, ऐसा कुछ क्लेम हमारे आर्टबर्ग वालों ने भी किया था अगर आपको याद हो। एस्टैब्लिश्ड 1850, और नीचे यहाँ पर उन्होंने अपनी दिखाई हुई है लेफ्रॉय की डिस्टिलरी, डिस्टिल्ड ऑन द रिमोट आइलैंड ऑफ आयला ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड। पीछे कोई इंटरेस्टिंग बात, पीछे यहाँ पर लिखते हैं लेफ्रॉय सिंगल मॉल्ट स्कॉच, हमेशा अपने आप को थोड़ा दूर रखा है, आपको इससे दोस्ती करनी पड़ेगी, और आप दोस्ती कर लेंगे तो आप बनेंगे बहुत ही सुंदर फ्रेंड इनके। पीछे एक बात बहुत बढ़िया लिखी हुई है, यूजुअली सिंगल मॉल्ट हो या स्कॉच विस्की हो, लोग उसको बोलते हैं कि नीट ही ट्राई कीजिए। ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो इनके खुद के डिस्टिलर जॉन कैंपल कहते हैं कि थोड़ा पानी के साथ पीजिएगा, हम भी ट्राई करेंगे आज। फाइनली लिखते हैं कि ये जब पी रहे हैं तो अपनी आंखें बंद कीजिएगा और आपको लगेगा कि वेव्स आ रही हैं और आप पे चेहरे पे गिर रही हैं। लेफ्रॉय का मतलब भी होता है दी ब्यूटिफुल हॉलो बाय द ब्रॉडवे, मतलब खाड़ी का वो रीजन जो एक खड्डा सा है। पीछे बॉटल ऑफ स्कॉटलैंड एंड दैट्स अबाउट इट। चलिए आप देखेंगे इसकी बॉटल, बट वहां जाने से पहले प्राइस। अगर आप इसको ट्रैवल रिटेल से खरीद रहे हैं तो आपको पड़ेगी 5,000 की, अगर आप वाइन शॉप से खरीद रहे हैं तो आपको पड़ेगी तकरीबन 9,000 से 12,000 तक। हाँ, मुझे पता है गुड़गांव वाले बोलेंगे हमारे यहाँ पर 3,000 की मिलती है, फिर कोई बोलेगा अरे L1 वाला बंदा जो है मेरे घर पे देके जाता है और चकना भी फ्री देता है। पता है दोस्तों, सब पता है, बट अनुरोध है आपसे कि गरीब की ऐसी मजाक मत उड़ाया कीजिए। चलिए जाते हैं बॉटल पे। ये जो बॉटल है मेरे पास काफ़ी समय से रखी हुई है। यूजली मैं जब आपको विस्की दिखाता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि नई बॉटल खोल के फर्स्ट पोर नेक पोर दिखाऊँ, आज वो नहीं हो पाएगा। इसमें इतनी ही बची है कि मैं आपको शायद एक या दो वीडियो इसका आज और फिर कंपैरिजन में कुछ दिखा पाऊँ। चलिए बॉटल अगर देखें तो इस पे यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि इसको रॉयल वारंट मिला था, फिर सिंगल मॉल्ट आइला 10, नथिंग न्यू, जो भी केस में लिखा था वही। पीछे भी यही कि इसको लेफ्रॉय बोलते हैं, इसका मतलब क्या है। यहाँ पर एक अलग बात लिखी है कि अगर जब आप इसको पियेंगे तो आपको इसका एक पीट आना चाहिए। देखिए दोस्तों, पीट की बात ऐसी है कि पीट तीन अलग तरह के होते हैं। एक तो हमारा अरोमेटिक पीट हो गया, और दूसरा आपका हो गया मेडिसिनल पीट, और तीसरा हो गया आपका स्पाइसी पीट। ये जो है ये कौन सी पीट है मुझे पता है, बट मैं पीते से आपको बताऊंगा कि कौन सी पीट है। चलिए इसकी थोड़ी करते हैं हम नोसिंग। मैं ये सब बॉटलें संभाल के रखता हूँ, जब भी थोड़ा मन कर रहा हो, थोड़ा सेलिब्रेटरी हो, तब थोड़ी थोड़ी पी लेता हूँ। रंग आप इसका देख रहे होंगे एकदम पेल गोल्ड है, शाइन मार रही है। थोड़ा थोड़ा डालेंगे, थोड़ी कमी है तो थोड़ा थोड़ा पियेंगे। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इन्होंने दिखाया हुआ है कि पॉट स्टिल है,
इसका मतलब है कि ये पॉटस्टिल में बनी है, जनरली स्कॉच पॉटस्टिल में ही बनती है। चलिए, इसके एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आप पूछेंगे कि इसकी बैरल कौन सी है, तो याद रखिएगा कि ये है बीम सेंटोरी की, और बीम सेंटोरी के पास हमारी है जिम बीम और मेकर्स मार्क, दोनों बर्बन है, और यहाँ पर लेफ्रॉग में यूज़ किया जाता है यही फर्स्ट फिल बर्बन कास्क, लेफ्रॉग भी उन्हीं के पास है। तो कुछ बातों का ध्यान रखते हुए हमें यह जानना पड़ेगा कि इसमें आएगा पीट, ये है अटलांटिक ओशन के बाजू में, तो थोड़ा सा नमक भी आएगा, फर्स्ट फिल बर्बन कास्क है तो थोड़े स्पाइसेस रहेंगे और थोड़ा आएगा स्वीटनेस। अभी कौन सा फ्लेवर डोमिनेट करता है कौन सा नहीं करता है वो तो विस्की को नोस करने के बाद ही मालूम पड़ेगा। चलिए इसकी करते हैं नोसिंग। इसका जो पीट है स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैंने आपको तीन तरह के होते हैं, इसका जो पीट है वो थोड़ा मेडिसिनल पीट है, और अगर आपको अनुभव हो एक फर्स्ट एड बॉक्स का, तो वहाँ पर जो आयोडीन या बैंडेड का जो स्मेल आता है वो डोमिनेट कर जाता है यहाँ पर। इसकी विस्की काफ़ी सालों से बदलती हुई आई है और हाल फिलहाल में काफ़ी स्वीट सी होती आ रही है, बट उसका जो नोस है वो प्रीडोमिनेंटली आपको मेडिसिनल पीट है। एक बारबेक्यू सॉस कल रात को मैंने खाया था, तो बारबेक्यू सॉस का भी एक हल्का सा आ रहा है। ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ द कास्क हल्का सा वनीला है और हल्का सा कैरमल फ्लेवर भी है इसका। टेस्ट किया जाए, चलिए। ऑन द टिप ऑफ द टंग सी वीड का जो सॉल्ट है वो आता है आपका, एक सॉल्टी है। एडबर्ग में मैंने बताया था कि थोड़ा शुगरी भी है बट यहाँ पर थोड़ा सॉल्टी ज़्यादा आता है, एंड एक लवली पीट, वो पीट आपका जो मुंह है पूरा उसको अनगल्फ कर देता है, मतलब बंधक बना देता है आपके पूरे मुंह को कि भैया मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं तो पीट सब करके रखा हूँ तुमको। सॉल्ट पीट, हल्की सी एक स्वीटनेस आ रही है, सोचिए कि केले केले वैसा। जो इसका पीट है वो आपको लगेगा कि जैसे सॉडस्ट हो, ओक का सॉडस्ट वैसा, थोड़ा मोटा पैक। पीट को अगर भूल जाए तो फिर उसमें से निकल के आती है एक स्वीटनेस सी और एक स्पाइसी नोट जो कि बहुत ही फ्लेवरसम है। इसका जो फिनिश है ड्राई ड्राई है। चलिए, क्योंकि इसके डिस्टिलर ने कहा था इसके थोड़ा पानी डाल के पीना चाहिए, थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे और देखेंगे क्या फ्लेवर में बदलता है। और मेरे को आपको एक बात बतानी थी कि इस स्कॉटलैंड में आप कैसे पा सकते हैं जमीन। 1994 में बना था फ्रेंड्स ऑफ लेफ्रॉय क्लब, और इनकी हर एक बॉटल के साथ मिलता था एक कोड। अगर आप बॉटल खरीदेंगे तो वो कोड मिलेगा, वो कोड आपकी वेबसाइट में जाएंगे, और अगर आप वेबसाइट में डालेंगे तो आपको मिलता था एक स्क्वायर फीट लैंड लीज पे एक साल के लिए। बेनिफिट उसका ये था कि आपको मिलेगी एक ड्रैम विस्की, मतलब एक टीस्पून विस्की, जब आप जाएंगे स्कॉटलैंड इस डिस्ट्री में, और वो लैंड रहेगी आपके नाम पे एक साल के लिए। चलिए, अभी मैं थोड़ा पानी डाला है तो फ्लेवर कैसे बदलता है देखते हैं। बिना पानी के पीट डोमिनेट कर रहा था और फ्रूटीनेस बाद में आ रही थी, पानी डालने के बाद फ्रूटीनेस थोड़ी आगे आई है, थोड़ा लेमन जेस सिट्रस फ्लेवर थोड़ा आगे आया है, और पीट बाद में आता है। इसमें एक टार लाइक नोट भी है जो थोड़ा उभर के आ रहा है, बिना पानी के थोड़ा वीक था, अभी थोड़ा हाई हो गया है। नोस में भी थोड़ा पानी डालने की वजह से थोड़ा फ्रूटीनेस बढ़ के आया है। इंडीड, बहुत ही फ्लेवरसम एक्सप्रेशन है लेफ्रॉय 10 का, वर्ल्ड में इनकी सबसे ज़्यादा बिकने वाली विस्की है, तो कुछ तो होगा इसके बारे में, और हमारे प्रिंस भी पीते हैं इसको मुंह खोल के, भैया मैं तो पीता हूँ। चलिए आगे जाते हैं, कंक्लूजन देखते हैं। निष्कर्ष कंक्लूजन, आज की बात यह है कि हमने फिर से देखी एक स्मोकी विस्की लेफ्रॉय। तीन मेन विस्की हैं, मुझे पता है मैंने आर्टबुक दिखाई है, लेफ्रॉय दिखाई है, तो आप बताएं बोलेंगे अब मेरे को लगा बुलन भी देखना है, दिखा दूंगा वो भी, बहुत जल्दी लेकर आऊँगा उसको भी। और अगर आप इसको इसके बारे में सोचें तो मेरा ये मानना है कि 200 साल की हिस्ट्री है, एक लेगेसी है, और इस बॉटल में मैजिक है। आप ये सोचिए कि अगर आपको स्मोकी फ्लेवर पसंद है तो इतिहास में लेफ्रॉय को लिख दिया गया है ऑलरेडी सुनहरे अक्षरों में। क्या आप इस सुनहरे ड्रिंक को पीना चाहते हैं? नहीं, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, बट अगर आपने नहीं पी तो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो मिस करेंगे, अगर आपका फ्लेवर प्रोफाइल स्मोकी है।
मैं तो खोलता हूँ इसको सिर्फ सेलिब्रिटी मोमेंट्स के लिए, आप पे छोड़ा है, आप कब खोलेंगे या कब बंद रखेंगे। आशा करता हूँ आपको शो पसंद आ रहा है। अब तक बने रहने के लिए शुक्रिया, फिर मिलेंगे एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।